ये देखो हवा। वेल प्रिजर्व्ड 500 ईयर ओल्ड ममी, 500 साल पुरानी, देख लो। आप कहाँ से हो? हरियाणा। ये 360 है क्या? हाँ ये 360 है। नहीं। This is Hurling Village जो कि काजा के रास्ते में आते हैं। यहाँ से काजा 67 किलोमीटर है। आपने अभी तक देखा होगा चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में। यहाँ देखो चंडीगढ़ विलेज एट KM 10,000। कभी सुना है चंडीगढ़ विलेज भी है यहाँ पे? और कोई विलेज है चंडीगढ़ नाम की इंडिया में? वो स्पीति के रास्ते में है। सुमरा विलेज, क्या ब्रिज बना रखे हैं यार नीचे, खतरनाक बिल्कुल ही। ये देखो सुमरा विलेज के ब्रिजेस, वो है सामने सुमरा विलेज, नीचे जा रही है स्पीति। पहले देखो रोड़ी का पहाड़ आया था, अब मिट्टी का आ गया। वैसे ही आगे सारे अब मिट्टी के पहाड़ है। रास्ते देखो कैसे बना रखे ना यार मिट्टी के पहाड़ों पर, यूँ साइड साइड में। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ से कोई रिवर आती थी और अब वो सूख गई है। देखो वहाँ पे तो नीचे स्पीति रिवर है ही, पर यहाँ से पूरा रिवर में से जा रहा है रास्ता। सामने वाला माउंटेन देखो, अभी बिल्कुल सीधा रोड है स्ट्रेट, और दोनों साइड ऐसे पूरे मैदान है जैसे कि लद्दाख में थे। और सामने देखो कैसे पहाड़ खड़ा है और कितने कलर से उसके लाइन है, देखो कितनी लाइनिंग है, बहुत सुंदर लग रहा है। और पता नहीं कितना ही बड़ा पहाड़ है, पीछे की साइड तो बर्फ़ है, इसके ऊपर ऊपर से देखो वाइट हो रखा है, मतलब इस साइड सूखा है और दूसरी साइड बर्फ है। पर आपको स्टैचू दिख रहा है बुद्धा का, कितनी ऊपर बना रखा है। पता नहीं वहाँ से जाना है या नहीं, पर वहाँ से जाना होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो अभी देख लो। मतलब ये सारे तो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मेन सिटी है वो है यहाँ पे, ये जो चल रही है ये है स्पीति। तो वेलकम टू स्पीति। वैसे तो स्पीति आ चुकी है बट अभी काजा आना बाकी है, और काजा में मेन स्पीति वैली है। यहाँ से किब्बर है 66, कुंजुम टॉप 118, रोहतांग 196, ग्रामपो 83, लोसर 103 और काजा 46। वेलकम टू ताबो विलेज। यार ये ट्रक वाला ना इतनी धूल उड़ा रहा है और किसी को भी ना जाने भी नहीं दे रहा। यहाँ के जो माउंटेन्स है वो थोड़े थोड़े वहाँ से मिलते हैं, लोअर मस्तांग जो था नेपाल में, जोम सोम बैनी के वहाँ पे, उस तरीके के यहाँ के पहाड़ हैं रेत के बिल्कुल, और वैसे ही हैं अलग अलग शेप के बने हुए। लुक एट दिस माउंटेन, प्रॉपर सैंड माउंटेन। अब बिल्कुल लेवल में आ गया हूँ मैं स्पीति के। दिस इज़ दी पो विलेज एट KM 37,108 RCC। यहाँ से अभी 38 किलोमीटर बचा हुआ है, 1 hour and 6 minutes। यहाँ पे हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है इस एरिया में। वो कैसी चीज़ें आ गई पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा ये पहाड़ कैसा है। यहाँ के अब रास्ते देखो, पिछले पहले क्या थे कि सिर के ऊपर जो पहाड़ थे वो पत्थर के थे, अब ये मिट्टी के हैं, और साइड में पूरी ये खाई है और नीचे स्पीति रिवर। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रास्ते हैं, और हल्की सी एक चूक हुई और गए आप सीधा नदी में नीचे। इस पूरी रिवर में एक सेंटर में वो पत्थर देखो, अलग से एक चट्टान बीच में पड़ी हुई है, बाकी सब साइड में है। शीचलिंग विलेज एट KM 50,000। यहाँ से काजा है 26 किलोमीटर। वेलकम टू धनकड़ गोम्पा। यहाँ पे धनकड़ गोम्पा विलेज है, वैली ऑफ चीगू गोट ब्रीड वेलकम्स यू। ये देखो इस तरीके की गोट होती है चीगू,
ये स्पीति रिवर बिल्कुल वैसी आ गई है जैसे कि अक्सर हम इमेजिन करते हैं कि कहीं पे सूखी हुई, कहीं से पानी जा रहा है, बिल्कुल वैसे वाले आ गए है सब कुछ। पहले तो सिर्फ चल रहा था पानी, यहाँ पे रिवर बहुत ज़्यादा वाइड हो गई है और कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे सारा सूखा हुआ है और बीच बीच में से पानी जा रहा है। देखो अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे पानी है, वहाँ पे सूखे, फिर पानी है, फिर सूखे, फिर पानी है, फिर सूखे, फिर पानी है, तो ऐसे सारे पैचेस बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ा रहे हैं ये ट्रक, नाक में चली गई सारी और आगे भी नहीं जान दे रहे क्योंकि रास्ता ही इतना है। पता नहीं आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, बट इस वाले एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है अभी तक की। ये देखो हवा, ये अभी सबसे धीरे है, इससे भी तेज़ चल रही थी कि रेन कवर भी उड़ चुका है। मेरे साइड में देखो है ना, अमेजिंग। ओ वाओ, ये आ गया लिंगटी ब्रिज और वाटरफॉल देखो लिंगटी ब्रिज के साइड में। वाओ खूबसूरती नेक्स्ट लेवल। दिस इज द लिंगटी विलेज एट KM 56.000। ये मेरे को KM 56.000 वगैरह का मेरे को सही में मतलब नहीं पता कि ये क्या है, इसलिए मैं KM बोल रहा हूँ, तो मैं किलोमीटर ही बोल सकता था, बट पता नहीं ये क्या है जो मैं बोलूँ फिर किलोमीटर तो सही ना हो। तो लिदांग विलेज एट KM 62,000। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, वैली ऑफ शीप ब्रीड एनिमल हस्बेंड्री वेलकम्स यू। यहाँ पे शीप है, पीछे गोट थी, यहाँ पे शीप की ब्रीड की वैली है। और ऊपर बाइकर्स देखो कितने आ रहे हैं, पूरी की पूरी लाइनें आ रही हैं। आई थिंक ये पूरा ग्रुप काजा जा रहा है, तो क्यों ना इन्हीं के साथ ही चल लिया जाए। KTM का ग्रुप है, धीरे धीरे 4 से देखो 25 हो गए हैं, आगे भी खड़े हैं, पूरा अलग अलग जगह से है, सारे महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिल, मतलब कि दिल्ली, बहुत सारी जगह की बाइकें हैं। आई थिंक ये इंडिया का KTM का ग्रुप है कोई, तभी ये सारे साथ में अलग अलग स्टेट से भी राइड कर रहे हैं। ओ सर काजा जाइए नीचे, ये है काजा की मार्केट। तो अभी काजा में मैंने रूम ले लिया, ज़्यादा नहीं देखा मैंने, पहला ही देखा और वही मैंने फाइनल कर दिया। और क्योंकि मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं और रूम वगैरह देख सकूँ और इतना वेट कर सकूँ, और अभी 5:06 हो गए, अब मैं नीचे जा रहा हूँ खाना खाने। मैंने खाना का ऑर्डर रख दिया है और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं रेस्ट करूँ और कल से मैं अपना घूमना वगैरह शुरू करूँ जो भी यहाँ पे देखने की जगह है। तो अभी का देखता हूँ, अभी खाना खाते हुए सोचता हूँ कि क्या करना है। पहले नीचे चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं। सामान सारा मैं ले आया हूँ बाइक से उतार के, बाइक मैंने साइड में पार्क कर दी है। हाँ तो फटाफट से, अब भूख बहुत तेज लग रही है क्योंकि मैंने लंच भी नहीं किया और शाम के 5 तो बजी गए हैं। नाउ इट्स 7:41 एंड आई एम इन द मार्केट ऑफ काजा एंड एक्सप्लोरिंग द मार्केट। अभी मैं बहुत देर से वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था और अब खाना आ गया, रात के 10 बज गए हैं। आज पता नहीं यार क्यों बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, समझ नहीं आ रहा। सो फाइनली कल मैं आ गया था और कल आते ही बहुत ही ज़्यादा थकान हो रखी थी, रात को पता नहीं चला कब मैं डिनर करके सो गया। और अब सुबह उठा हूँ तो बस आगे के प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं। सो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज के इस व्लॉग को इतना ही रखा जाए, क्योंकि अब मैं काजा में तो हुई तो मेरे को काजा एक्सप्लोर करना है। अभी तक मैं काजा से जो पूरी राइड करके आया हूँ नाको से, तो वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। रास्ते तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे, अल्टीमेट रास्ते जिसको कहते हैं ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल, वैसी फील आ रही थी बिल्कुल ही। और आई होप कि आपको भी देखने में अच्छा लगा होगा और आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग का कोई पार्ट अच्छा लगा बुरा लगा तो नीचे कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे, बाय बाय।